I loved everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. मॉर्निंग और स्वागत है आप लोग का मेरे एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग का शुरुआत मैं अपने घर से कर रहा हूँ। अभी जस्ट मैं बिष्टुपुर से घूम कर आ रहा हूँ। घर आते ही देखो मेरे पास कौन आ गया है। ये शिवम आ गया है और तो इसका बर्थडे है। बर्थडे है ना तुम्हारा शिवम? बर्थडे है ना? हैप्पी बर्थडे बोल दो शिवम। हैप्पी बर्थडे बोल दो शिवम। नाश्ता कर लिया तुम? चला गया शिवम बाहर। अचानक से मेरा कॉल आ गया था, फिर मेरे को जाना पड़ा गया। अभी मैं वहाँ से वापस आया और ये मेरा नाश्ता। उसके बाद मैं नाश्ता कर लेता हूँ, फिर जाता हूँ जिस काम के लिए जाना था। 10:30 भी होने वाला है तो मैं निकलता हूँ, नाश्ता वास्ता कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपसे मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। और हेयर कट भी कराना है, देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा बाल हो गया है। नाश्ता वास्ता कम्प्लीट हो गया, अब मैं निकलता हूँ। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, फिर मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। हम कंप्लीट हो गया है, अब मैं बाल कटवाने के लिए जा रहा हूँ। नहीं तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल ले ले रहे हैं, फिर बाल कटवा के आपसे मिलते हैं। बाल बाल कटवाना हो गया कंप्लीट, बाल कट गया। अब जोड़ का भूख लग रहा है, देखते हैं कुछ खाते हैं। मैं अभी आ गया हूँ डोमिनोज के नीचे स्नैपचैट में। ये बहुत नया रेस्टोरेंट है, एक्चुअली मैं बहुत दिन से देख रहा था इस रेस्टोरेंट को ट्राई करने के लिए। आज मौका मिल गया तो आज रेस्टोरेंट को ट्राई भी कर लेते हैं, देखते हैं इनका पिज़्ज़ा कैसा रहता है। अभी स्नैपचैट में आ गए हैं और हम ये ट्राई कर रहे हैं, ये चिकन जलपिनो पिज़्ज़ा। ये प्राइस आप देख सकते हो, ये इनका मेन्यू है, ये इनका वेज मेन्यू है, ये नॉन वेज है और ये इनका स्नैक्स है और भी कुछ है। और ये पास्ता का है, ये राइस है और देसी चाइनीज़। एज एक्चुअली हम देसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में भी ट्राई किए हैं, बट यहाँ पे ट्राई करूँगा इसको भी आकर, देखता हूँ कैसा रहता है यहाँ का। मेरे साथ है राजन भाई। हाय। और राजन भाई कैसा लग रहा है? पहली बार आए क्या आप स्नैपचैट में? आप तो देखे होंगे बहुत दिन से इसको। बहुत दिन से रहते हैं। अच्छा, मेरा भी एक्चुअली फर्स्ट टाइम ही है। जा गया हमारा। एक्चुअली इसका नाम जलपिनो है, इसका नाम एलपिनो है, ठीक है, गलत बोल रहा था, सॉरी उसके लिए। और ये देख रहे हो ना, ये इसमें एक्चुअली 6 बाइट में बना हुआ है, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। टेस्ट करके बताते हैं टेस्ट कैसा है। देख रहे हो राजन भाई इसका साहब, थोड़ा कम है पर चलेगा, सही है। ट्राई करके देखता हूँ कैसा टेस्ट है इसका। और ओ भाई साहब, इसमें चिकन देख रहा हूँ ना, ज़्यादा नहीं, एक दो तो चार ही चिकन है, पर सही है, अच्छा लग, टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है इसका। ओ सही है, रेगुलर साइज है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, पर साइज सही है और टेस्ट भी सही है, खाने में अच्छा लग रहा है। तुम ट्राई करके देखो कैसा लग रहा है टेस्ट आपको। बोलिए कुछ तो बोलिए, कैसा लगा टेस्ट, कैसा लग रहा? एक नंबर। अच्छा है ना, डोमिनोज को टक्कर दे रहा है ना, डोमिनोज के ऊपर ही है एकदम, डोमिनोज को टक्कर देने लायक हो गया ना। और कैसा लग रहा खा के आपको?
अच्छा। वो जो एलोपिनो का टेस्ट आ रहा क्या? आ रहा है ना। अरे तो आप रिकमेंड करेंगे ना कि सबको आने के लिए यहाँ पे? एकदम जरूर। बोल दिए एक बार फिर से, एक बार ट्राई कर लो। कहाँ पे एड्रेस बता दीजिए बिस्टुपुर में, कहाँ पे है? डोमिनोज के? डोमिनोज के नीचे सिग्नल के पास। भाई हम तो रिकमेंड करेंगे एक बार आके ट्राई करो, ज़्यादा दूर नहीं बिस्टुपुर में, सिग्नल के पास। आदि ने भी बताया था डोमिनोज के जस्ट नीचे, डोमिनोज के जस्ट नीचे। अब ये रहो ना, टक्कर देना इसको बोलते हैं। और टेस्ट बहुत सही है, चिकन थोड़ा सा कम है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टाइम ज़्यादा चिकन मिलेगा, कस्टमर बन रहा है ना। यही एलोपिनो है शायद, अच्छा टेस्ट लग रहा है, खट्टा खट्टा टाइप में, थोड़ा सा टेस्ट सही है। टेस्ट बहुत सही है, मज़ा आ गया। खाने में कंप्लीट हो गया, अब निकलते घर, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 9:40 हो गया। घर से भी कॉल आ गया था एक दो बार, अरे भाई निकलते हैं ना। पीछे देख रहे हो ना स्नैपचैट, यहीं से खा के निकले। यस, इसके ऊपर डोमिनोज है, देख सकते हो आप लोग। फाइनली अभी घर आ गया और बाल वाल भी अपना धो लिया, और उसके बाद उनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगा था। पर पता है वो स्नैपचैट था, उन्होंने बोला कि स्नैपचैट मत, मैंने पूछा कि वीडियो बना सकता हूँ, तो उन्होंने बोला कि स्नैपचैट, आप स्नैपचैट में आप वीडियो क्या फ़ोटोज़ भी खींच सकते हो, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ कर सकते हो। तो मैंने फिर फ़ोटोज़ खींचा, वीडियो भी बनाया कुछ कुछ। तो मम्मी अभी बोल रही कि खाना खाने के लिए, पर हम खाना खा कर ही आए हैं, तो हमको उतना भूख नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत भूख लग रहा है, तो एक दो रोटी खा लेते हैं, मन करेगा तो खाएँगे, नहीं तो फिर देखते हैं। तो भाई खाने का एक दो रोटी का बात हुआ था, ये देख रहे हो यहाँ पे राइस है, सैलेड है, भुजिया है, जलेबी भी है, और ये पराठा और ये दाल। जल्दी से इसको फिनिश कर लेता हूँ। खाना वाना कंप्लीट हो गया है और अब सोने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं फिर क्या करना है। और फ़ोन चलाना के लिए, फ़ोन का नेट बचा हुआ पूरा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।